everyone, welcome on our education point, and today we will read 10th class first book, Footprints Without Feet, first lesson, A Trump of Surgery. This lesson is written by James Alfred Wade, who wrote under the pen name of James Herriot. He was a British veterinary surgeon and writer. He wrote a series of books which deals with animals and their owners, and Trump of Surgery is one of them. And before going on, we have to know about the background of the story. Background क्या है? एक tricky, एक small dog होता है, जो कि pampered and overfed होता है, by his mistress, rich mistress. Mistress का नाम है Mrs. Pumphrey. और वो अचानक से काफ़ी सीरियसली बीमार हो जाता है, तब उसकी मिस्ट्रेस जो है एक वेटनरी सर्जन से कंसल्ट करती है. अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो वेटनरी सर्जन उनके ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, और क्या डॉग जो है अपनी बीमारी से रिकवर होता है. बिफोर गोइंग ऑन, वी हैव टू नो अबाउट द कैरेक्टर ऑफ दी स्टोरी. फर्स्ट कैरेक्टर है जेम्स हैरियट का. जेम्स हैरियट एक वेटनरी सर्जन होते हैं और एक एनिमल लवर और केयरिंग गार्डियन होते हैं. नेक्स्ट कैरेक्टर है मिसिज पम्फ्री. मिसिज पम्फ्री एक वेल्दी सिंगल वोमन है और सी इज़ वेरी मच अटैच टू हर डॉग ट्रिकी. वो बहुत ही लविंग है परंतु वीक एट हार्ट है, मीन्स उसका दिल काफ़ी कमज़ोर होता है. नेक्स्ट है ट्रिकी. ट्रिकी इज ए लेजी एंड फैट डॉग हु लव्स फूड. ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हीज ओनर. वो काफ़ी लेजी होता है परंतु उसकी एक ही कमी है कि वो भोजन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है. लेट्स प्रोसीड फर्दर इन द स्टोरी. एक बार नरेटर मिसिज पम्फ्री और उसके कुत्ते को देखते हैं और वो काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं उस डॉग की अपेयरेंस को देख करके. बिकॉज डॉग वॉज वेरी फैटी एंड ही लुक्स लाइक अ ब्लोटेड स्वेसेस. ब्लोटेड स्वेसेस का मतलब है वो सिलेंड्रिकल आइटम की तरह नज़र आता है बिकॉज ही वॉज वेरी फैटी. इसके साथ ही उसकी आंखें काफ़ी ब्लड सोट नज़र आती हैं, मीन्स काफ़ी रेड होती हैं, और र्यूमी होती है. र्यूमी मीन्स उसकी आंखों में से पानी टपक रहा होता है, और उसकी जो टंग है वो लोल्ड हो रही होती है उसके जबड़े से बाहर, मीन्स उसको सांस लेने में भी काफ़ी परेशानी हो रही होती है. इस पर उसकी मिस्ट्रेस जो मिसेस पम्फ्री होती हैं वो एक्सप्लेन करती हैं कि ही वो सो लिसलेस, वो काफ़ी लिस्टलेस हो गया था, मीन्स विदाउट एनर्जी लग रहा था, और उसने सोचा कि वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, मीन्स उसके अंदर न्यूट्रिशंस की कमी हो गई है, इसलिए उसने उसके खाने के बीच में उसको एक्स्ट्रा डाइट देना शुरू कर दिया है. और वो एक्स्ट्रा डाइट भी कैसी देती हैं, माल्ट कोड लीवर ऑयल देना शुरू कर देती हैं, हॉर्लिक्स पिलाना शुरू कर देती हैं. अब जो है मिस्टर हैरियट उससे पूछते हैं कि क्या आपने इसकी स्वीट्स को, जो मैंने पहले भी कहा था, कम कर दी हैं. अब उस पर कहती है कि आई डिड फॉर ए बिट, हाँ मैंने कुछ कम की थी, परंतु वो इतना कमज़ोर नज़र आ रहा था, और वो उसको केक्स क्रीम और चॉकलेट काफ़ी पसंद हैं, इसलिए मैं उनको रिफ्यूज नहीं कर पाती हूँ और उसको दे रही हूँ. अब जो है मिस्टर हैरियट दोबारा से डॉग्स की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि यही तो प्रॉब्लम है, ट्रिकी जो है खाने में बड़ा लालची है, वो कभी भी मना नहीं करता है फूड के लिए. उसे दिन या रात के किसी भी टाइम अगर खाने को ऑफर किया जाता है तो वो मना नहीं करता है, इवन चाहे उसका पेट भरा क्यों ना हो. एंड अब आगे कहता है, आगे जो है मिस्टर हैरियट उससे पूछते हैं कि क्या आपने उसको प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज देना शुरू कर दिया है. इस पर मिसेस पम्फ्री कहती हैं कि हाँ वो मेरे साथ कुछ लिटिल वॉक्स पर आता है, परंतु होडगिन जो कि गार्डनर होता है, जो उसके साथ रिंग थ्रोइंग का गेम खेल रहा होता है, वो अब उसको लैम्बेगो से सफ़र कर रहा होता है. लैम्बेगो होता है बैक पेन, उसको बैक पेन होता है, इस वजह से ये अब नहीं हो पाता है. नाउ मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आपने इसकी फूड को अभी से कम नहीं किया और इसकी एक्सरसाइज को कंटिन्यू नहीं किया तो ये काफ़ी बीमार हो सकता है. इस पर मिसेस पम्फ्री काफ़ी बेचैन हो जाती हैं और उनको आश्वासन देती हैं कि मैं आगे से तुरंत इस बात को अप्लाई करूंगी, और ये कहकर वो निकल जाती हैं. और ऐसा लगता है कि वो अब टोटली डिटरमाइंड हैं जो भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने दी है उसको प्रॉपरली फॉलो करने के लिए. अब उनको जाते हुए मिस्टर हैरियट देखते हैं कि ट्रिकी काफ़ी परेशानी के साथ या काफ़ी धीरे धीरे चल पा रहा है,
क्योंकि उसके अंदर अब इतनी एनर्जी नहीं बची है कि वो ढंग से प्रॉपरली चल पाए। इसके साथ ही मिस्टर हैरियट सोचते हैं कि अब बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि मिसेस पम्फ्री कॉल करेंगी और बताएंगी कि ट्रिकी काफ़ी बीमार हो गया है। और इस तरीके से कुछ दिनों के बाद वो एक्सपेक्टेड कॉल आती है और मिसेस पम्फ्री काफ़ी उदास होती हैं और अपसेट होती हैं और वो बताती हैं कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है, इवन वो अपनी फेवरेट डिशेज को भी मना कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। इसके साथ साथ उसे बार बार वोमिटिंग भी आ रही है और वो सारा दिन ऐसे ही रग पर लेटा रहता है, पांटिंग करता रहता है, पांटिंग मीन हाँफता रहता है और बाहर भी नहीं जाता है। अब मिस्टर हैरियट कहते हैं कि इसके बारे में मैंने पहले इन एडवांस प्लान बना लिया था और उसको ये प्लान ये था कि ट्रिकी को अब कुछ समय के लिए घर से दूर रखना पड़ेगा। अब वो मिसेस पम्फ्री को सजेस्ट करते हैं कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मीन्स अबाउट 2 वीक्स आर 15 डेज उसको हॉस्पिटलाइज करना होगा। ये बात सुनते ही वो लेडी काफ़ी सूर्ण हो जाती है, सूर्ण मीन्स बेहोश होने की तरह हो जाती है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि ट्रिकी उसके बिना एक दिन भी नहीं रह पाएगा। परंतु अब मिस्टर हैरियट काफ़ी फिरम्ड होते हैं अपनी बात को लेकर के, इसलिए वो क्योंकि एक ही केवल यही एक तरीका बचा है जिससे वो ट्रिकी की लाइफ को सेव कर सकते हैं। इनफैक्ट वो ये भी सोचते हैं कि मुझे बिना डिले के तुरंत जो है ट्रिकी को यहाँ से ले जाना होगा, यही ट्रिकी के लिए बेस्ट होता है। और इस तरीके से मिसेस पम्फ्री जो है अपनी विलाप करती रहती है, बट मिस्टर हैरियट उसकी इस बात को अवॉइड करते हुए अपनी कार से बाहर निकलते हैं और ट्रिकी को एक ब्लैंकेट में रैप करके ले आते हैं। इस दौरान पूरा एंटायर स्टाफ, घर का जितना भी मेड सर्वेंट्स होती हैं, वो ट्रिकी की जितने भी डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं उन्हें कलेक्ट करने में इधर उधर भाग रही होती हैं। कोई डे बेड लाता है, कोई नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, इन सबको कलेक्ट कर रही होती हैं। इस दौरान मिस्टर हैरियट रियलाइज़ करते हैं कि इतना सारा स्टफ़ मैं अपनी गाड़ी में नहीं ले जा सकता, इसलिए वो गाड़ी को चला लेते हैं। जैसे ही वो जा रहे होते हैं तो मिसेस पम्फ्री ने काफ़ी प्रम्प्टली विंडो के पास आकर के उसके कुछ जो है कोट जो ट्रिकी डेली वियर करते हैं उनको विंडो से थ्रो कर देते हैं कार के अंदर। अब जो है राइटर आगे निकल जाता है। जैसे ही वो कॉर्नर पर मुड़ते हैं तो वो मिरर के अंदर से देखते हैं कि एवरीबॉडी वॉच इन टीयर, हर कोई जो है वहाँ पर ट्रिकी के लिए रो रहा होता है। अब रास्ते में रोड पर वो दोबारा से उस लिटिल पैथेटिक एनिमल पर अपनी एक नज़र दौड़ाते हैं और उसको उसके हेड पर पैटेड करते हैं। इस पर लिटिल जो ट्रिकी होता है वो कुछ ब्रेवली एफर्ट करता है और अपनी टेल को हिलाता है इन रिस्पॉन्स, उसका आंसर देने के लिए। अब मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हारे अंदर कोई एनर्जी नहीं है, यू हैव नॉट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, परंतु मुझे पता है कि तुम कैसे ठीक होगे। और इस तरीके से वो सर्जरी पर पहुंच जाते हैं। सर्जरी मीन यहाँ पर हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल में पहुंचते ही उस हॉस्पिटल में दूसरे अदर डॉग होते हैं, वो उनके चारों तरफ आ जाते हैं और ट्रिकी उनको देख करके कोई हलचल या उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता है, केवल वो डल आइज से उनको देखता है। अब जो है मिस्टर हैरियट ट्रिकी को कारपेट पे लेटा देते हैं, बट ट्रिकी इमोशनलेस वहाँ पर लेट जाता है, मींस वो उन डॉग्स को देख करके कोई रिएक्शन नहीं करता है। अदर डॉग्स भी उसको कुछ समय तक स्निफिंग करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कुछ सेकंड के बाद, और उसके बाद उसको जब कोई एक्शन वहाँ से नहीं आता है उसको अन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट समझ करके इग्नोर करने लग जाते हैं। अब मिस्टर हैरियट उसके लिए एक बेड प्रिपेयर करते हैं एक वार्म लूज बॉक्स के अंदर, जो जहाँ पर अदर डॉग्स रहते हैं, और 2 दिन तक वो उसको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। उसको कोई खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता है, बट प्लंटी ऑफ वाटर उसे दिया जाता है, मींस उसे लिक्विड इनटेक किया जाता है ताकि उसका जो अंदर का हीलिंग प्रोसेस है वो एक्टिव हो जाए। और अब आगे वो नैरेटर बताते हैं कि सेकेंड डे के अंत तक जो है उसने अपने सराउंडिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था, और जब 3रा दिन शुरू हुआ उस दिन तो उसने कुछ विम्परिंग करना यानी साउंड्स निकालना शुरू कर दिया था, मींस वो इंटरेस्ट लेना शुरू करता है और वो चाहता है कि दूसरे डॉग्स की तरह मैं भी आंगन में खेलूं। और जब नैरेटर उसके लिए दरवाज़ा खोलते हैं तो वो बहुत ही प्रम्प्टली बाहर आता है और जोए नाम के ग्रे हाउंड से वहाँ पर खेलना शुरू कर देता है।
और इस तरीके से वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं और खेलते खेलते गार्डन की तरफ निकल जाते हैं। अभी भी ट्रिकी जो है सरप्लस फैट की वजह से थोड़ा सा धीरे चल पाता है, उतना एक्टिवली मूव नहीं कर पाता है। साथ ही नरेटर बताते हैं कि थर्ड डे इवनिंग टाइम में जब अदर डॉग को मील सर्व किया जाता है तो उनके मील ख़त्म करने के बाद ट्रिकी उनके बाल्स को लीक कर रहा होता है और अगले दिन जो है उसके लिए एक एक्स्ट्रा बाल प्रिपेयर किया जाता है। और नरेटर बताते हैं कि उन्हें खुशी होती है कि वो उस बाउल की तरफ काफ़ी जोसलिंग यानी कि मूव काफ़ी उत्साह के साथ मूव करता है और इस तरीके से ट्रिकी की प्रोग्रेस जो है वो काफ़ी रैपिडली हो रही होती है, मीन्स उसका कि रिकवरी काफ़ी अच्छे से हो रही होती है और उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं दिया जाता है, बस उसे प्लंटी ऑफ एक्सरसाइज दी जाती हैं जो कि वो अदर डॉग्स के साथ फाइट भी करता है, उनके पीछे दौड़ता है, एक दूसरे के ऊपर वो उछलते कूदते रहते हैं। और ऐसे एक दिन ट्रिकी जो है एक्सेप्टेड मेम्बर हो जाता है उस गैंग का और अब वो है रात को भोजन के समय भी एक अपने शेयर के लिए टाइगर की तरह उछलता कूदता है, मीन्स कंपटीशन करता है, फाइटिंग करता है और रेड्स की हंटिंग भी करता है और ऐसी जीवन जी रहा होता है जो अपनी लाइफ में उसने पहले कभी नहीं जिया होता है। इन बिटवीन मिसेस पंपरी बार बार कॉल करके मिस्टर हैरियट से लगभग दिन में 12 बार कॉल करके मिस्टर हैरियट से पंपरी की लेटेस्ट हेल्थ न्यूज़ जानती है और मिस्टर हैरियट बताते हैं कि मैं उसके हर क्वेश्चन को अवॉइड करते हुए वो क्वेश्चंस इस तरह के पूछती हैं, वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग ट्रेंड रेगुलरली, आर हिज करेक्ट कोट वॉरन अकॉर्डिंग टू वेदर, कि उसका कोट क्वेश्चन जो है रेगुलरली चेंज किया जा रहा है या नहीं, उसे अकॉर्डिंग टू वेदर उसका कोट पहनाया जा रहा है या नहीं। कहते हैं कि मैं इन सभी क्वेश्चन को अवॉइड करते हुए केवल एक ही बात देता हूँ कि ट्रिकी जो है आउट ऑफ डेंजर है और वो उसकी रिकवरी काफ़ी अच्छे से हो रही होती है। ही इज़ कन्वेल्सिंग रैपिडली मीन्स रिकवरिंग फास्टली। अब उसने कन्वेल्सिंग वर्ड को सुनने के बाद मिसेस पंपरी ने उसकी हेल्थ को बिल्डअप करने के लिए कि जनरली जब सर्जरी होती है उसके बाद जो वीकनेस आती है उसको बिल्डअप करने के लिए डेली प्रतिदिन 12 डजन जो है एग्स भेजना शुरू कर देती है। अब राइटर बताते हैं कि हम जो है ये सारी डाइट ट्रिकों को नहीं दे सकते थे, इसलिए मैं और मेरा पार्टनर उन एग्स को इंजॉय करते थे ब्रेकफास्ट में और कुछ समय के बाद उसकी ब्लड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मिसेस पंफ्री वाइन को भेजना शुरू कर देती है। अब मिस्टर हैरियट बताते हैं कि उस वाइन को के 2 ग्लासेज हम भोजन से पहले ले लेते थे और कुछ ग्लासेज हम भोजन के दौरान इंजॉय करते थे। अब आगे बताते हैं कि कुछ समय के बाद मिसेस पंपरी ने ट्रिकी के लिए ब्रांडी को भी भेजना शुरू कर दिया है और इस तरीके से नरेटर बताते हैं कि हमने कुछ समय काफ़ी अच्छा बिताया है क्योंकि हमारी स्टार्टिंग मॉर्निंग में एक्स्ट्रा एग के साथ होती थी, फिर हमें लंच टाइम में यानी आफ्टरनून में वाइन मिल जाती थी, उसके बाद इवनिंग समय में हम जो है ब्रांडी को एंजॉय करते थे और ये सारी चीज़ें किसके लिए सेंड की जाती थी, ट्रिकी के लिए सेंड की जाती थी। अब जो है नरेटर आगे बताते हैं कि ये सारी चीज़ों को इंजॉय करते हुए उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा होता है और उनके मन में एक टेम्पटेशन आती है कि क्यों ना मैं ट्रिकी को एज ए परमानेंट गेस्ट रख लूँ। टेम्पटेशन मीन एक तरह से उनके मन में एक आकर्षण हो जाता है या लालच सा आ जाता है क्योंकि ट्रिकी जब तक यहाँ रहेगा तब तक ये सारी चीज़ें उनके पास आती रहेंगी और वो इन सभी चीज़ों को इंजॉय करते रहेंगे। परंतु कुछ थोड़ी ही देर बाद उसे पंफ्री की मिसेस पंफ्री की सफरिंग का जो कि एज मदर उसको लव करती है उनके दुखों का रियलाइज होता है और आफ्टर फोर्टनाइट यानी 2 वीक्स के बाद वो फ़ोन करते हैं मिसेस पंफ्री को, बताते हैं कि जो लिटल डॉग है वो रिकवर हो चुके हैं, मीन्स वो काफ़ी हेल्दी हो चुके हैं और अब वो वेट कर रहे हैं उसके कलेक्शन मीन वो यहाँ से उसको ले जा सकते हैं। और जैसे ही वो कॉल करते हैं उसके कुछ मिनटों के बाद उस देखते हैं कि एक बहुत बड़ी लंबी सी गाड़ी उसकी सर्जरी यानी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है और चौफर जो है दरवाज़ा खोलता है और वहाँ पर मिसेस पंफ्री काफ़ी उदास बैठी हुई होती हैं और काफ़ी परेशान नज़र आ रही होती हैं। मिस्टर हैरियट से पूछती हैं कि क्या आप वास्तव में सही बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं कि ट्रिकी जो है इज़ ही रियली बेटर, कि वास्तव में ठीक हो गया है। इस पर मिस्टर हैरियट उसे आश्वासन देते हैं
हैं कि वो वास्तव में अब काफ़ी हेल्दी है और आप उसे घर ले जा सकते हैं। और मिस्टर हैरियट गार्डन से ट्रिकी को लेने जाते हैं जो कि सभी कुत्तों के बीच में बैठा हुआ होता है। और मिस्टर हैरियट देखते हैं कि 2 वीक्स के अंदर ही वो जो है ट्रिकी काफ़ी हार्ड मसल एनिमल में कन्वर्ट हो चुका होता है, काफ़ी मूवेबल यानी कि एनर्जेटिक हो गया है। और जैसे ही वो उसको मिसेज पम्फ्री की कार की तरफ लेकर जाते हैं तो चोफर ने अभी भी दरवाज़ा खोल के ही रखा हुआ होता है। और जैसे ही डॉग अपने ओनर को देखता है वो अब मिस्टर हैरियट की गोद से उछल करके तुरंत उसकी गोद में यानी मिसेज पम्फ्री की गोद में आ जाते हैं और उसको इसके फेस को लीक करना शुरू कर देते हैं, बार्किंग करना शुरू कर देते हैं। मीन्स वो अपनी जो है खुशी ओवर जॉय होकर के ऐसी एक्टिंग कर रहा होता है। अब ऑथर बताते हैं कि इन बिटवीन जो भी सामान ट्रिकी के लिए वहाँ पर आया था, उसके कुशन है, टॉय है, बेड है, कोट है, बाउल्स है, ये सारी चीज़ें हमने गाड़ी में रख दी होती हैं जिनका हमने कभी यूज नहीं किया है, वो अभी तक यूज नहीं की गई थी, वो सारे के सारे वापस रख दी जाती हैं। और इस तरीके से वहाँ से मिसेस पम्फ्री जब निकल रही होती हैं यानी विंडो से अपने सिर को बाहर निकाल करके उसके आँखों में आंसू होते हैं और उसके होंठ जो है ट्रेम्बल कर रहे होते हैं और वो मिस्टर हैरियट को कहती है हाउ कैन आई एवर थैंक यू, कि मैं आपका धन्यवाद कैसे कर पाऊँगी। इसके साथ ही वो ये भी कहती है दिस इज़ ए ट्रायंफ ऑफ सर्जरी, कि ये एक सर्जरी की विक्ट्री है। और इसके साथ ही दिस वे दिस स्टोरी एंड्स हेयर। और जो है मिसेस पम्फ्री ये डिक्लेयर कर देती हैं कि ये एक ट्रायंफ ऑफ सर्जरी है। इवन हम सभी जानते हैं कि सर्जरी तो हुई ही नहीं है, उसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट तो दिया ही नहीं गया है। तो यहाँ पर ट्रायंफ ऑफ सर्जरी मीन्स क्या है? ट्रम्प मीन्स दैट ए डॉग वॉज इल एंड नाउ गोट क्योर्ड। केवल इतना ही मीनिंग है कि एक डॉग बीमार था और अब वो क्या हो गया है, ठीक हो गया है। और अब हम इस स्टोरी के थीम को जान लेते हैं। द थीम ऑफ द स्टोरी इज अबाउट द ब्लाइंड लव विच वी पोजेस फॉर द वन हुम वी लव द मोस्ट। एंड मिसेस पम्फ्री हैज़ नो आइडिया दैट हर ब्लाइंड लव फॉर हर डॉग ट्रिकी टुक हिम टू ट्रबल। जनरली क्या होता है कि हम जब किसी से बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा प्यार करते हैं तो उसकी हेल्थ के को इग्नोर करते हुए हम उसके ऊपर अपना प्यार बरसाते रहते हैं। और ऐसा ही मिसेस पम्फ्री के केस में भी होता है, वो अपने कुत्ते के प्यार में अंधी होती है और उसको खिलाना अच्छा मानती है, जबकि ओवर फीडिंग की वजह से ही वो ट्रिकी क्या हो गया है, प्रॉब्लम में आ गया है और वो काफ़ी बीमार हो जाता है। एंड नाउ वी विल प्रोसीड फॉर क्वेश्चंस ऑफ दिस स्टोरी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज मिसेस पम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी? मिसेस पम्फ्री ट्रिकी के बारे में काफ़ी क्यों चिंतित होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, कि मिस्टर हैरियट ने डॉग को कैसे ट्रीट किया, मीन्स उसे कैसे ठीक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज मिस्टर हैरियट टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट, कि मिस्टर हैरियट टेम्प्टेड क्यों होते हैं ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में रखने के लिए। एंड अदर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज मिसेस पम्फ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज ट्रम्फ ऑफ सर्जरी, कि मिसेस पम्फ्री को ऐसा क्यों लगता है कि डॉग की जो रिकवरी हुई है वो ट्रम्फ ऑफ सर्जरी ही है। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। So keep watching and keep understanding and keep being here.